Hello students, so today's lecture is in continuation with the previous lectures about synchronization. तो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से हम इनकमिंग मशीन को अपनी बस बार के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं. तो हमने देखा कि सबसे पहले हम इन तीनों कंडीशंस को हमें फुलफ़िल करना है. तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा कि हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वो इलेक्ट्रिकल साइकिल्स दे रही है मशीन इन वन सेकेंड. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकेंड. तो दोनों में वो सेम होना चाहिए. तो हम कनेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, जो इनकमिंग मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम स्लाइटली हायर रखते हैं क्योंकि अभी वो कनेक्ट नहीं है. ठीक है, तो जैसे ही हम उसको कनेक्ट करने से पहले तक हम चेक करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी. क्योंकि जैसे ही हम स्विच ओवर कर देंगे, जैसे ही हम फॉर एग्जांपल ये बस बार है, इसके साथ बहुत सारी मशीन्स ऑलरेडी रनिंग होंगी और जो आपको नई मशीन अब उसके साथ हमें बस बार के साथ कनेक्ट करनी है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्विच होता है जिसको हम सिंक्रोनाइजिंग स्विच कहते हैं. ठीक है, अभी ये आपकी ऑफ है, अभी ये बस बार के साथ मशीन कनेक्ट नहीं है, इसको आपको बस बार के साथ कनेक्ट करना है. तो ये कंडीशंस हमने स्टडी कर ली हैं. तो इस स्विच को हम अभी ये लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है मशीन. ठीक है, सिर्फ रन कर रही है, इसमें वोल्टेज है इंड्यूस हो रही है. तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को हल्का सा हायर रखते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को प्रैक्टिकली हम इनिशियली थोड़ा सा हाई रखते हैं. फ्रीक्वेंसी हाई कैसे होगी वो भी हम स्टडी कर चुके हैं कि स्पीड को हम रोटेशन की स्पीड को बढ़ा देंगे. इसकी रोटेशन की स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, हाइड्रो पावर प्लांट है तो वहाँ पे कौन घुमाता है अपने प्राइम मूवर को, वाटर घुमाता है. तो अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें वाटर को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा. तो गेट्स लगे होते हैं वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट में, उन गेट्स को अगर हम ज़्यादा ओपन कर दें तो मशीन ज़्यादा स्पीड से घूमती है. तो उस तरह से गेट्स के ओपन और क्लोज़ करके हम मशीन की स्पीड को और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो इनिशियली हमें फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा क्यों रखना है, क्योंकि जैसे ही वो हम स्विच इसको कनेक्ट करेंगे तो लोडिंग हो जाएगी, उसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो कर जाएंगे. क्योंकि अभी करंट्स फ्लो नहीं है, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट्स आ जाएंगे. और ओपन सर्किट जब तक होगा तब तक तो सिर्फ वोल्टेज ही इंड्यूस होगी और वो जो करंट्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पोल्स बनाएंगे, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन होगी. तो दोनों की फ्रीक्वेंसी फिर मैच हो जाएगी. तो हमें फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला हमने स्टेप जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आप रिवाइज कर लें. फ्रीक्वेंसी को हम सबसे पहले एडजस्ट करते हैं बाय कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर, जिसको हम हाइड्रो पावर है तो वाटर से कंट्रोल करेंगे, स्टीम है तो स्टीम से कंट्रोल करेंगे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पावर प्लांट. फिर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके हम वोल्टेज को देखते हैं. दोनों की वोल्टेज सेम होनी चाहिए, ये भी हमने देखा, क्योंकि दो मशीन्स हमारी, सारी मशीन्स जो हैं वो सभी पैरेलल में कनेक्ट हैं. ठीक है, और आगे हमारा लोड लगा है, तो दोनों में अगर वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा तो सर्कुलेटिंग करंट्स, ह्यूज सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो करेंगे. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, वोल्टेज सेम करनी है. वो हम कैसे करेंगे, हम फील्ड की करंट को इंक्रीज करके करेंगे, वो भी हमने देखा था. अब फेज सीक्वेंस भी हमने चेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर. अब हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. सो अब मैं आपको ये वे फॉर्म्स बनवाने वाली हूँ. ये आप एग्ज़ाम्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इस चीज़ को लिखना. तो आप ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा, तो आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में बनाना और विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाना. डिविजन्स का बिल्कुल प्रॉपर आप ध्यान रखना और डिफरेंट टाइप ऑफ पेन आप यूज़ करना. ठीक है, तो अब इसमें मैंने ये वोल्टेज और थीटा का ग्राफ बनाया है दोनों मशीन्स का.
तो रेड कलर से मैं बना रही हूँ रनिंग मशीन जो ऑलरेडी हमारी रनिंग कर रही है या बस बार बोल लीजिए, और जो ग्रीन है जिसको मुझे उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है वो है आपका ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया इनकमिंग मशीन को। तो मैंने डिविजन्स बना लिए हैं, आप भी बिल्कुल प्रॉपर बनाना इक्विल, ये तो हम देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, एक साइकिल आपका 2 डिविजन्स में आ रहा है, ठीक है, उसी तरह से रिपीट किया है मैंने। तो अब जो हमारा ग्रीन वाला वेव फॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है आप देख सकते हैं, ये वाला जो था रेड वाला वो एक साइकिल उसका 2 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो जा रहा था, और जो ग्रीन वाला है वो आपका अब हमारा ज़्यादा उसको टाइम लग रहा है, तो हमारा जो ग्रीन मशीन है मतलब वो स्लो है, राइट, क्योंकि इसका वो साइकिल ज़्यादा टाइम में अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी इस स्टेज पे आपकी जो इनकमिंग मशीन है वो स्लो है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। तो मुझे मतलब अपनी इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इसके इक्वल करनी है, या सबसे स्टार्टिंग में मुझे उससे थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा रखनी है। तो इक्वल अगर कर दूँ बिल्कुल तो ग्रीन वाला भी यहीं पे बनेगा, पर अभी मैंने क्या करना है दोनों का, इसकी थोड़ी सी मैं ज़्यादा रखूँगी। सो सपोज़ ये हमारी रनिंग मशीन है, तो अब मुझे जो इनकमिंग मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इससे ज़्यादा बनानी है, मतलब आपका इसका एक साइकिल इससे पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए कम टाइम में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए मैं स्केल से मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो मैंने 9 सेंटीमीटर पे एक पूरा साइकिल बनाना है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट आएगा हाफ साइकिल वो 4.5 पे आएगा, तो ये मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब मुझे ये वेव फॉर्म बनानी है, तो हम नॉर्मली ड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी मैं हरे या इसके आगे अब 9 मेजर करके उसके अकॉर्डिंग मैं वेव फॉर्म बना लेती हूँ। मतलब अब इसका हाफ साइकिल मैंने ये मेरा मैंने अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर का आया था, आप कॉपी के अकॉर्डिंग उस तरह से बना लेना 4.5 का। तो मैंने हर एक इसके बाद 4.5, नेक्स्ट 4.5, नेक्स्ट 4.5 पूरी मैंने मार्किंग करती है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपना वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेती हूँ। सो इस तरह से ये वेव फॉर्म्स बनेंगी। अब यहाँ पे इतना क्लियरली विजुलाइज नहीं हो पा रहा, तो आप मैंने एक पेपर पे ड्रॉ करा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक वाला शो है कर रहा है वो आपका सॉरी रनिंग मशीन है, ठीक है, और जो ये पिंक से शो किया है ये इनकमिंग मशीन है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी बिल्कुल लिटिल बिट मैंने ज़्यादा रखी है, मतलब ये थोड़ा इससे फास्ट मूव कर रहा है, अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया है पैरेलल में ये। तो इसके जो एक साइकिल है वो थोड़ा पहले ही इसके से कंप्लीट बन जा रहा है, और वो मैंने बिल्कुल मेजरमेंट लेके हर एक हाफ डिवीजन का उतना मेजरमेंट लेके मैंने ड्रॉ करा है, तो ये इस तरह का बनेगा। तो अभी तक हमने क्या किया, इनिशियली हमारा वेव फॉर्म ऐसा था, आपका जो इनकमिंग मशीन था ग्रीन वाला वो आपका पहले स्लो चल रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नाउ यू हैव रीच टू दिस स्टेज, मतलब हमने क्या किया फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने उसकी हल्की सी ज़्यादा रखी अपनी इनकमिंग मशीन से, उतना हमने अपनी मशीन को फास्ट रोटेट करवाया है, मतलब हम अपनी इनकमिंग मशीन का जो प्राइम मूवर है जो टर्बाइन है अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो उसको हमें ज़्यादा फोर्स से घुमाना पड़ेगा, वाटर का फ्लो ज़्यादा हमने किया, और ऐसे किया कि सिंक्रोनस जो आपका रन बस पार की फ्रीक्वेंसी थी उससे थोड़ा सा फास्ट मूव करें। तो ये इस तरह की वेव फॉर्म हमारी बनी। अब फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद मैंने दोनों का वोल्टेज एडजस्ट करना है, तो नेक्स्ट स्टेज होगी मैंने
वोल्टेज एडजस्ट करनी है इनकमिंग मशीन की. तो वोल्टेज हमने कैसे करनी है, अपना फील्ड करंट को हम अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, IF को इंक्रीज़ कर देंगे, तो जो जनरेटेड वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरा इनकमिंग मशीन है उसकी वोल्टेज अभी यहाँ पे लेस है, ठीक है. तो लेस है तो मुझे अब इसके बराबर करनी है. ये इसके बराबर करने के लिए मुझे उसका IF जो फील्ड है उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. तो अब आपकी वेव फॉर्म ऐसी बनेगी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहले जो था वो मैग्नीट्यूड कम था आपके इनकमिंग मशीन का. अब मैंने IF को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है. IF को इनकमिंग मशीन को अगर मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ तो हमारी वेव फॉर्म्स इस तरह से बनेंगी. तो अब यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी हल्की ज़्यादा है, तो ये वेव फॉर्म आपका इस तरह का बन रहा है. सो अगर ये दोनों वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती, मतलब इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन सेम फ्रीक्वेंसी पे रन करती, तो दोनों वेव फॉर्म्स ने क्या करना था, ओवरलैप करना था, ठीक है. जहाँ पे आपका इनकमिंग मशीन की वेव फॉर्म है बिल्कुल सेम वैसे ही आपकी रनिंग मशीन की होनी थी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आनी थी, ओवरलैपिंग होनी थी. मतलब उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती तो हर एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू जो है वो सेम होनी थी, ठीक है. फॉर एग्जांपल, ये आपका अगर रनिंग मशीन है और सेम ही फ्रीक्वेंसी और सेम वैल्यू की मैंने इनकमिंग मशीन बनाई, तो वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग होनी थी और दोनों की वोल्टेजेस और फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, ठीक है. तो हमें इस पोजीशन तक पहुंचना है, ठीक है. हमें चाहिए दोनों जब हम सिंक्रोनाइज कर दें तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और वोल्टेज भी सेम हो. तो उसे अचीव करने के लिए हमें इनिशियली अपनी रनिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी, हमने इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ताकि जब एक बार हम स्विच को ऑन करते, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे और लोड जब हम इस पड़ेगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा और इसमें करंट्स फ्लो करेंगे, तो उसकी वजह से मशीन थोड़ा सा स्लो होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिर मैच हो जाएगी और अल्टीमेटली दोनों सिंक में आ जाएंगे, ठीक है. बट अभी क्या केस है, अभी दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट है. इनकमिंग मशीन हमने थोड़ी सी फास्ट रन कर रहे हैं, तो उस केस में अब दोनों की वैल्यू जो है वोल्टेज की, RMS वैल्यू तो सेम है, ठीक है. RMS वैल्यू इज़ सेम बट इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज़ डिफरेंट, ठीक है. RMS वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में हम एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है. दोनों की फ्रीक्वेंसी भी हमने इस तरह से एडजस्ट कर ली कि इनकमिंग मशीन की हल्की सी ज़्यादा हो जाए, और हमने उसके बाद वोल्टेज को भी एडजस्ट कर लिया IF इंक्रीज़ करके. दोनों की RMS वैल्यू सेम कर ली. RMS वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 साइनोसॉइडल के केस में. तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो दोनों की RMS वैल्यू तो सेम है, मतलब वोल्टमीटर आप RMS वैल्यू रीड करता है तो वो तो आपको वोल्टमीटर की वैल्यू दोनों की केस में सेम है आएगी. बट हर एक पॉइंट पे आपका अगर हम देखें वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. मतलब इस केस में वोल्टेज डिफरेंस अगर ओवरलैप होंगे तो ज़ीरो आएगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों वोल्टेजेस में डिफरेंस इस पॉइंट पे कुछ डिफरेंस है, फिर वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है. आप यहाँ जैसे देखेंगे तो वो डिफरेंस दोनों की वोल्टेजेस में बहुत इंक्रीज़ हो चुका है. आप इस पॉइंट पे देखिए, एक मैक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो वो इंक्रीज़ हो गया वोल्टेज डिफरेंस, और यहाँ पे दोबारा से डिक्रीज़ हो गया एंड दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. तो वोल्टेज डिफरेंस मतलब चेंज कर रहा है. तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज नियरली सेम है तो जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपका पहले कुछ कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, चेंज कर रहा है. अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों में वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो है किसी भी पॉइंट पर. इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस
कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है. तो अगर मैं वोल्टेज डिफरेंस का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बन रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड अगेन डिक्रीजिंग. तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो किस पैटर्न से कर रहा है? यहाँ पे देखो कितना कम डिफरेंस है दोनों की वोल्टेजेस में, ठीक है. इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस इज़ वेरी लेस, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज़ हो गया. तो वोल्टेज डिफरेंस पहले कम है, ठीक है, फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है. उसकी डायरेक्शंस भी चेंज हो रही हैं, ठीक है. कभी एक वेव फॉर्म का ज़्यादा आ रहा है, कभी दूसरी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है. तो कुछ आपका मतलब वैल्यू इन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिफरेंस की वो इंक्रीज़ कर रही है, देन अगेन डिक्रीज़ कर रही है, देन इस पॉइंट पे आपकी डिफरेंस अगेन बहुत कम हो चुका है, ठीक है, अगेन डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है. तो आपका इस तरह का हमारा पैटर्न बन रहा है दोनों के डिफरेंस का. तो अगर मान लो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये वाली मशीन को हमने सेम फ्रीक्वेंसी पे रन किया है और यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा देती हूँ, ठीक है, तो और अगर वो दोनों ओवरलैपिंग हैं तो क्या होगा? वोल्ट मीटर का जो एक लेग है वो क्या है, ठीक है, वो ये बस पार्स जा रही है. तो वोल्ट मीटर का एक एंड बस पार से कनेक्टेड है, मतलब बस पार की वोल्टेज से, और एक एंड हमारा इनकमिंग मशीन के साथ कनेक्टेड है. तो जो ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बस पार की वोल्टेज और इनकमिंग मशीन के वोल्टेज का डिफरेंस आएगा. तो अगर वो दोनों सेम, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है हर एक पॉइंट पे, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो ज़ीरो रीड करेगा, ओके. पर अगर हमने दोनों की अभी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और नियरली इक्वल है इस केस में, जैसे कि, तो उस केस में जो डिफरेंस था वो हमने देखा धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, देन अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, देन डिक्रीज़ हो रहा है. तो मतलब अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का पॉइंटर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है. धीरे धीरे आपका वोल्ट मीटर इंक्रीज़ एक डायरेक्शन में जाएगा, मैक्सिमम होगा, देन अगेन डिक्रीज़ होगा, देन मैक्सिमम होगा, देन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों का डिफरेंस है, दोनों के बीच में लगाई है. और अगर हम यहाँ पे मान लो बल्ब लगा दें, ठीक है, तो लैम्प के केस में क्या होगा? यहाँ पे लैम्प के केस में यहाँ पे वो लैम्प धीरे धीरे ग्लो करेगा, ब्राइट होगा, एंड देन अगेन धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे आपका पहले इंक्रीज़ हो रहा है देन डिक्रीज़ हो रहा है. तो उस तरह से वो आपका लैम्प फ्लिकर करेगा, ठीक है, लैम्प. तो मींस लैम्प विल फ्लिकर, ओके. सो वो लैम्प धीरे धीरे ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा. तो अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज में, बस बार की फ्रीक्वेंसी में और इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कम है, ठीक है, जैसा हमें चाहिए, दोनों में फ्रीक्वेंसी हमें नियरली इक्वल रखनी है, इनकमिंग की स्लाइटली हमें हाइयर रखनी है, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. तो उस केस में जो फ्लिकरिंग होगी बल्ब का, जो ऑन ऑफ होना होगा, वो बहुत धीरे धीरे होगा, मतलब धीरे धीरे वो ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ठीक है. बट अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस है तो बल्ब बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ होगा, ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट रेट होगा. तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, कि हमें चाहिए कि दोनों में हमें फ्रीक्वेंसी उस तरह से एडजस्ट करनी है कि बल्ब आपका बहुत धीरे धीरे से ऑन ऑफ हो, ओके. और उस केस में अब
बल्ब हमारे जब दोनों में फ्रीक्वेंसी वोल्टेज डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखिए, जब इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा आपका रोटर, ठीक है, मशीन, तो वहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे आपका बल्ब बहुत डिम होगा, और ये दोनों देखिए बिल्कुल फेज में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो जैसे ही बल्ब हमारा डिम होगा, मतलब वो आपका इंस्टेंट है परफेक्ट, आपका हम उस पोजीशन पे अपना स्विच को थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उस पोजीशन पे अगर हम उसको मशीन को सिंक्रोनाइज कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू वहाँ पे सेम हो गई, और लोडिंग के बाद थोड़ा सा उसमें ड्रॉप आएगा, तो वो हम दोनों वेवफॉर्म सिंक्रोनिज्म में हमारी चल पड़ेंगी। तो बेसिकली हमें वो डार्क स्पॉट आइडेंटिफाई करना है, मतलब जैसे ही वो बल्ब डार्क होगा, मतलब अब आप अपना स्विच को थ्रू ऑफ, मतलब उसको ऑन कर सकते हैं और सिंक्रोनिज्म में उसको पुट कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लिकरिंग रेट है, दैट शुड बी वेरी लेस, ओके। सो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली सेम हो, दोनों की आरएमएस वैल्यू हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, और दोनों जब उस पे दोनों फेज में आएंगे एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसी के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, आपका 3 लैम्प मेथड होता है, देन सिंक्रोस्कोप मेथड है, तो वो सब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक मशीन थोड़ा फास्ट है और एक हल्का सा स्लो है, तो आप जैसे घड़ी की दो सुइयां हैं, आप एक मिनट हैंड है और एक आपका सेकंड हैंड है, तो दोनों जो फास्टर है वो जो स्लोअर है उसको क्रॉस करेगी किसी पॉइंट पे। तो बेसिकली वही हो रहा है, दोनों मशीन्स अलग अलग स्पीड पे घूम रही हैं, तो जो फास्टर है वो स्लोअर वाले को क्रॉस करेगी, तो उस इंस्टेंट पे हमें जब वो फेज़ में होंगे तो आपको दोनों को सिंक्रोनाइज करना है।